श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय सायराम। नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ आपके सामने। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं ये गाना जो हमारे सामने जो प्रोजेक्ट में खड़ा है, सुनिए आप पहले गाना को, ठीक है? ए रात्रोता ने आमार मुखे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक वोकल ट्रैक है और यहाँ पे एक गिटार, जो वोकल ट्रैक गया था उसके पीछे पीछे गिटार भी गया है। तो हमारा जो मिशन है, आप लोग करते हैं घर पे भी जब रिकॉर्डिंग करते हैं या और आपका स्टूडियो भी जब रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रिदम ट्रैक कोई भी हो लेकिन हम उसको अगर डुप्लीकेट करना चाहेंगे, मतलब डुप्लीकेट करना चाहेंगे जिसको हम बोलते हैं DT, तो DT करने के बाद उसको किस तरह से हम प्लेसमेंट करेंगे और उसमें दो चार ट्रिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। ए रात्रोता ने आमार मुखे ऐ शांत शहर तोमार बुके। हिसाब से अभी मैं लगभग -5 dB रखा है ऐसा कुछ जो वोकल ट्रैक के नीचे, और रखने के बाद गिटार को प्लेबैक तो किया वोकल के साथ। यहाँ पे हमको दिखा रहा है सिंगल गिटार, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको डुअल गिटार करें और सुनने को भी अच्छा लगेगा, तो उसको स्टूडियो फील दे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे डीडी करते हैं इसको। तो पहले प्रोटूल्स में जब आप कोई भी एक ट्रैक को सिलेक्ट करेंगे वैसा एक सफ़ेद हो जाएगा, तो इसमें आपको डुप्लीकेट करने का, मतलब ये गिटार जो ट्रैक है इस ट्रैक को डुप्लीकेट करने का कमांड दबाना पड़ेगा। तो जैसे कमांड दबाएंगे आपको ये इस जो ट्रैक है इस ट्रैक का डुप्लीकेट ट्रैक आपके सामने आ जाएगा। तो वो कमांड है Shift Alt D। Shift Alt D जैसे दबाएंगे तो ये एक्टिव प्लेलिस्ट के साथ एक काउंट डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल डुप्लीकेट हो गया। अभी यहाँ पे जो मिक्स विंडो में हम जब जाएंगे, दोनों ट्रैक लेकिन बराबर सेम लेवल -5 dB -5 dB के हिसाब से बज रहा है। अभी हम उसको क्या करेंगे, दोनों ट्रैक को थोड़ा सा इक्यू करेंगे और कंप्रेसर चाहिए तो थोड़ा सा कंप्रेसर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो पहले जो ओरिजिनल गिटार ट्रैक था उसको सोलो करते हुए मैं इसको सुनता हूँ, जो मेन गिटार ट्रैक था उसको सोलो करते हुए उसका टोन को सुनूंगा और मैं इक्यू करूँगा या कंप्रेसिंग कुछ अगर चाहिए तो करूँगा मैं। तो चलिए देखते हैं। पहले इक्यू लेते हैं, SSL इक्यू अगर आपको चाहिए पसंद रहता है SSL इक्यू ले सकते हैं, बहुत बढ़िया एक इक्यू है SSL इक्यू, इसको आप ले सकते हैं कोई भी, देखिए ऐसा आपको मिलेगा। तो इसमें एनालॉग जो फील्ड है ऑन कर दीजिए, जो हाई पास फिल्टर जो है उसको ऑन कर दीजिए। हाई पास फिल्टर को ऑन करते हुए इसको कम से कम 120 तक लेके जाइए, थोड़ा सा लो खा जाइएगा इसका। -130 dB थोड़ा सा कम लो फिल्टर जो है 130 dB हम सुखा गए हैं, और उसका ये जो है लो मिड फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अगर हम बूस्ट के भी करेंगे चलेगा, और ये करेंगे हम लगभग 2 kHz के आसपास, 2.15 kHz, और इसका जो क्यू है थोड़ा सा नॉर्मल क्यू करेंगे। हाई मिड फ्रीक्वेंसी जो है इसको उतना नहीं देंगे, वार्मनेस देने के लिए थोड़ा सा हाई मिड फ्रीक्वेंसी कम करेंगे और फ्रीक्वेंसी को वही रखेंगे जो हम हाई मिड फ्रीक्वेंसी को हम मान लीजिए 1 kHz के पास, 1.4 kHz के आसपास हमने रखा है, और इसका जो क्यू पॉइंट है थोड़ा सा क्यू पॉइंट को हम चेंज करते हैं 1.98 या 2, ठीक है? जो टोन अभी अब इसमें मिल रहा है इसको हम सुनते हुए हाई फिल्टर जो है थोड़ा सा बूस्ट करेंगे हाई फिल्टर को, और इसका जो क्यू पॉइंट है थोड़ा सा क्यू पॉइंट को कम करते हुए काम करता हूँ 6.40 kHz के आसपास, ठीक है? और इसका मैंने दिया है 5.24। अब इसका जो साउंड हमको मिल रहा है
गेन थोड़ा सा बढ़ा ही सकता हूँ क्योंकि मैं -16 के आसपास जा रहा है मैक्सिमम स्ट्रोकिंग टाइम, जब जो स्ट्राम कर रहा है उस टाइम -16 पे जा रहा है या -15 तक जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा बूस्ट करूँगा इसको 2.3 dB ऐसा बूस्ट करेंगे, और उसके साथ साथ मैं उसको बाईपास करके सुनूंगा कि पहले क्या था और अब कैसा टोन आया है। चलिए सुनते हैं। देखिए पहले एक माटी जैसा टोन था, अभी थोड़ा सा दूसरा टोन आ गया ओपन करने के बाद। देखिए इसमें थोड़ा सा कंप्रेसिंग करेंगे हम, और वो भी जो सिंपल कंप्रेसर जो है Pro Tools का, सबको बाय डिफॉल्ट करते हुए। इसका जो नी लेवल है उसको रखेंगे 10 dB के आसपास, और उसका थ्रेशोल्ड लेवल थोड़ा सा कम करेंगे। -13.6 मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, ये बॉल को देखते हुए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये इक्यू लेके या कंप्रेसर लेके बहुत बातें की है हमने, बहुत एपिसोड में हमने दिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑब्वियसली इक्यू करना और कंप्रेसिंग कैसे करना है ये आपको पता हो गया ऑलरेडी, और आप अच्छा खासा कर भी लेते हैं, ये भी मुझे पता है क्योंकि आपका ऑडियोज़ मैंने सुना है, आप लोग भेजते हैं हमको, तो अच्छा खासा आप लोग कर रहे हैं। फिर भी कोशिश जारी रखिए और भी अच्छा करने का। तो मैं इसी हिसाब से -13.6 dB देके चेक कर रहा हूँ कि ये मेरे को कितना रिस्पॉन्स दे रहा है। देखिए यहाँ पे फिलहाल कम, लेकिन बाद में जब जा रहा है वो बहुत ज़्यादा जा रहा था। इसका अटैक रेट थोड़ा सा 300 माइक्रोसेकंड के आसपास हम सेट करेंगे, 300 माइक्रोसेकंड के आसपास, हाँ ऐसा कुछ। और इसका रिलीज डेट थोड़ा सा स्लो कर देंगे 200 के आसपास, 200 ऐसा कुछ रखेंगे। तो 316 माइक्रोसेकंड जो है यह है इसका अटैक रेट, और इसका रिलीज रेट 207 मिलीसेकंड, जबकि उसका रेशियो हमने रखा है 4:1। देखिए 4:1 रखा है। अब इसका जो गेन लेवल जो है थोड़ा सा हम बढ़ाना चाहते हैं इसको, अगर गेन लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो वो वाला लेवल यहाँ पे पहुँचेगा नहीं, तो थोड़ा सा गेन को लेवल को बढ़ाते हैं। देखिए तो 2.3 dB मैंने बढ़ाया यहाँ पे, और इसका टोन लगभग रेडी हो गया। मैं अभी इसको बाईपास करता हूँ, देखिए दोनों को, तो टोन ऐसा था और मैं बाईपास को उठा रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्रिस्पी आवाज़ आ गया है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरा जो गिटार है उसमें हम क्या करें। दूसरा जो गिटार है सेम टाइम पे वो बज रहा है, उसको भी हम सुनते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे कौन सा चीज़ लेंगे हम, तो यहाँ पे हो सकता है कि दूसरा कोई इक्यू ले, जो मान लीजिए कि क्योंकि एक ही टाइप का इक्यू लेंगे तो दोनों में थोड़ा सा टोन अलग आपको सुनाई नहीं देगा, इसीलिए टोन को थोड़ा सा अलग सुनाए इसीलिए कुछ दूसरा टाइप का हम इक्यू देंगे। तो मैंने F6 RTA लिया है, चलिए इसमें देखते हैं क्या है। ऑब्वियसली जो उसका जो हाई पास फिल्टर है इसको ऑन करेंगे और बिल्कुल खा जाएंगे क्योंकि हमको नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट 200 हर्ट्ज के आसपास मैंने खा गया, और इसमें सिर्फ जो लो पास फिल्टर जो है इसको वैसे ही रखा है, लेकिन इसमें उतना रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा कम करूँ। तो अभी इसका जो हाई मिड फ्रीक्वेंसी जो है इसको देखते हुए मैं थोड़ा सा गेन बढ़ाऊँगा, और इसका जो क्यू पॉइंट है क्यू को थोड़ा सा वाइड कर दूँगा, मैं मान लीजिए कि 0.7 ऐसा कुछ क्यू पॉइंट करूँगा। इसका थ्रेशोल्ड लेवल मैं रखता हूँ मान लीजिए 30 या 40 के आसपास, ठीक है 40.3, और इसका रेंज जो है 4 dB या 5 dB अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है टोन कैसे लग रहा है। अब ये जो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आपको रिस्पॉन्स दे रहा है इसका फ्रीक्वेंसी क्या है सुनने के लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, जो है सोलो बटन दबाइए, जिस बैंड पे आप खड़ा है उसी बैंड का आपको सोलो साउंड सुनाएगा।
देख रहे हैं? अब इसके बगैर गेन आपको चाहिए थोड़ा सा दे सकते, मेरे ख्याल से 2.5 ठीक जाएगा। अब इसे लोग उठा दीजिए। अभी देखिए ये बाईपास जब किया मैंने, पहले टोन कैसा था और अब टोन थोड़ा सा ऐसा हो गया। इसमें हम जो लो मिड फ्रीक्वेंसी जो है इसको थोड़ा सा हम बूस्ट करना चाहेंगे लो मिड को, और इसको सोलो करते हुए अगर बूस्ट करेंगे तो हमको पता लग जाएगा इसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी या कौन सा टोन बूस्ट हो रहा है। सुनिए, ठीक है, इतना मैं गेन बूस्ट किया 3.5 के आसपास, और थ्रेशोल्ड को मैंने 41.7 ऐसा कुछ रखा है, थोड़ा सा 40 के आसपास रखेंगे ठीक रहेगा। और रेंज इसका दे दिया हमने ऑलमोस्ट 3.4 इतना कुछ। अभी इसको सुनिए, क्यू पॉइंट जो है वैसा ही रहेगा, ठीक रहेगा। सुनिए, इसको वापस करता हूँ, ऐसा टोन मिल रहा है। अब इसको बाईपास को छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अगर इसको अगर आपको ठीक ठाक लगे तो आप इसके नीचे बिल्कुल नीचे एक कंप्रेसर लगा दीजिए, कोई भी कंप्रेसर लगा दीजिए, लेकिन CLA3A ज़रूर लीजिएगा क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा टोन देता है। देखिए सबको कम करते हुए, चलिए हल्का सा कंप्रेसिंग और ज़्यादा नहीं है, 5.11। अब इसका लेवल थोड़ा सा मेकअप गेन बढ़ाइए और उसका आउटपुट देखते हुए 60 हर्ट्ज में देते हुए देखिए। अभी इसका जो जीआर मतलब गेन रिडक्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और इसका जो इनपुट लेवल यहाँ तक था और इसका आउटपुट आपको स्टैंडर्ड आउटपुट दे रहा है, और इसका जो जीआर है मतलब गेन रिडक्शन जो है थोड़ा बहुत गेन रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे हो। इस हालत में हमको छोड़ देंगे, देने के बाद इसको अगर बाईपास करके सुनेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। देखिए पहला टोन कैसा था, अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, अभी दोनों को ओपन कर रहा हूँ इसमें, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि किसका टोन लेवल ज्यादा है। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये जो पीक लेवल है दोनों का एवरेज पीक लेवल को एक बार चेक कर लीजिएगा, उसी के हिसाब से आपको लगभग देना पड़ेगा लेवल। दोनों का हाईएस्ट लाइन तकरीबन पैरेलल जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें इफेक्ट हम डालें तो कैसे डालेंगे, थोड़ा बहुत इफेक्ट अगर डालना है तो इसको पहले सोलो कीजिए, और यहाँ पे आप जो मॉड्यूलेशन में आप हल्का सा कोरस, बहुत हल्का सा टेन परसेंट 1.50 मिली सेकेंड्स का, और 1 हर्ट्ज का जो 1.06 हर्ट्ज का एक कोरस हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। दूसरा जो है उसको लेकिन ऐसा नहीं करना, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब मैं अगर इसको एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट कर दूंगा तो इसका जो टोन आपको सुनाई देगा वाइट सुनाई देगा। देखिए वोकल को म्यूट करता हूं, अब सुनिए। ये तो गया वो वाला हिस्सा जो डीटी को आप कैसे टोनिंग करेंगे। टोनिंग करने के बाद लेकिन और एक काम रह जाता है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रिफ्टिंग, जिससे हम कहते थे कि ड्रिफ्टिंग कैसे करें। उसके बाद हम बिल्कुल इसका नज़दीक जाएंगे, मतलब पहला वाला जो स्ट्रिप था उसके साथ साथ जो डुप्लीकेट स्ट्रिप है उसका भी नज़दीक जाएंगे, ठीक है। नज़दीक जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रीम जूम करके जाना है, नज़दीक जाना है।
और यहाँ पे आपको जो नाज फल जो है, नाज फल को ऑन कीजिए और इसमें आपको जैसे कि मान लीजिए मिनट सेकंड्स का, अगर अगर रियल टाइम में है तो मिनट सेकंड्स के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको वैल्यू देना पड़ेगा 100 मिली सेकंड्स। तो यहाँ पे जाके आप इसको सिलेक्ट कीजिए और आपका जो कीबोर्ड का राइट कर्सर जो है इसको आप एक बार दबाइए, तो ये ऑलरेडी 100 मिली सेकंड्स बाहर आके बैठा हुआ है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप करेंगे कि यहाँ पे जो 100 मिली सेकंड की जगह में 10 मिली सेकंड के हिसाब से अगर जाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेगा सुनते सुनते कि कहाँ तक आपको चाहिए। क्योंकि जब तक आप डीप नहीं करेंगे तब तक आपको स्टीरियो फील्ड साउंड उतना सुनाई नहीं देगा। चलिए सुनते हैं, अभी मैं डीप कर रहा हूँ एक एक करके। अभी मैं 3 काउंट डीप कर रहा हूँ, मतलब 30 मिली सेकंड्स मैं डीप कर दिया। सुनिए, आ गया ना स्टीरियो इफेक्ट। अगर मैं इसको अंडू करता हूँ, देखिए एक ही साथ बज रहा है तो उसका कोई मजा नहीं है। थोड़ा सा डीप कर देंगे 30 मिली सेकंड, तो उसमें आपको ये जो ड्रिफ्टिंग का जो मजा वो आएगा, मतलब स्टीरियोफोनिक फील आपको आएगा और उसके साथ साथ जो टोन आपने अलग अलग किया है ऐसा लगेगा कि 2 गिटार्स बैठ के मतलब बजाए हैं, लेकिन वैसा नहीं है, एक ही गिटार ने बजाए, एक ही बार ही बजाए और उसको आप ड्रिफ्टिंग करके स्टीरियो फील बना दिया। इसके साथ आप वोकल को डालते हैं तो देखिए কিছু প্রয়োজন হয় বোধ হয় সবার কিছু মানুষ মিটে। দেখিয়ে ভোকাল মে আবি কোই কুছ এফেক্ট হাই নেই, কুছ ভি নেই হ্যায়, সিরফ ড্রাই ভোকাল জা রহা হ্যায়, উসকে সাথ সাথ ড্রাই এফেক্ট হ্যায়, জো হ্যায় ড্রাই এফেক্ট, মতলব মাইনে কোই ওয়েটেড এফেক্ট নেই দিয়া ইয়াহ পে, ড্রাই এফেক্ট মতলব কম্প্রেসার লিমিটার এসা কুছ হ্যায় ইয়াহ পে গিটার পে। তো আপ লোগ ইসকো কোশিশ কিজিয়েগা ঘর মে, কোই ভি মতলব ঢোলক হো, তবলা হো, কুছ ভি হো, লেকিন ইসমে আপ ডিটি করকে ইতনা তো কর সকতে হ্যায়, खास करके जो स्ट्रमिंग गिटार जो है इसमें आप काम कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों आपने अपना ख्याल रखना, प्रैक्टिस करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड लेके नेक्स्ट वीक पे। नमस्ते जी।